अस्सलाम ठीक है। वालेकुम मम्मी फैरी व्लॉग एंड कुकिंग में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको फिश बिरयानी बनाने का तरीका बताती हूँ। उससे ये है कि पहले ये मैंने मछली ली है 1.25 किलो के करीब। इसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ कर लिया, ये देखें, और पानी इसका अच्छी तरह खुश्क हो गया। अब इसमें ये मैं मसाले डालूंगी, 1 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च का, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, थोड़ा सा 1 चम्मच ही हाफ गर्म मसाले का, ये 1 चम्मच गर्म मसाले का है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया का है, और ये हाफ चमची अजवाइन की पीसी हुई, ये 2 चम्मच जो है ना ये मैंने लिए हैं लहसुन अदरक की पेस्ट के, और 1 चम्मच नमक का है, और ये इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, ये मेरे तरीके से है। ये देखें जी, ये साथ 1 लीमू का रस मैंने निकाल लिया है, ये है, थोड़ा सा इसमें मसाला सिरका डालती हूँ व्हाइट वाला, और उसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। पानी लिया था जिसमें मैंने ज़ीरा, ये तेज़पात और बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्ची और सब्ज़ इलायची और डाल के इसको मैंने रख दिया चूल्हे पे पकने के लिए। अब ये पानी पक रहा है, इसमें मैं चावल डाल के इसको बॉईल करती हूँ, और चावल जो है ना 2 कनी के रखने हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। आगे फिश जो है उसको मैं फ्राई करने लगी हूँ। ये मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं, ये देखिए माशाल्लाह चावल कैसे हैं खड़े खड़े, और ये जब पकेंगे तो ये तब भी ऐसे ही रहेंगे। ये देखिए इसका चावल, और इसी तरह ही होगा। ये इसमें 2 कनी के चावल हमने रखने होते हैं, ठीक है। ये चावल बॉईल मेरे हो गए, मछली फ्राई हो रही है, एक साइड में मैं मसाला बनाकर तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करें। ये है पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच गर्म मसाला, छोटी चाय की चमची, छोटी चमची लाल कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक के, 1 छोटी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरे का, और ये क्या उसको कहते हैं कोरमा मसाला, सॉरी बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाला मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी, अगर नहीं तो आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, बता सकते हो। ये 1 चम्मच सूखा धनिया का, और हाफ एक चाय की चमची हल्दी की, ये लहसुन अदरक की पेस्ट है 2 चम्मच, ये 4-5 चम्मच 4-5 टमाटर जो है मैंने इसके टमाटर लिए हैं उनको बारीक बारीक काट लिया है, और ये 2 प्याज लिए हैं। बच्चों आप भी कहते होंगे आंटी को सांस बहुत चढ़ता है, मेरी ना असल में तबीयत नहीं ठीक है, तो इसलिए वो बोलते हुए ज़रा मुश्किल होती है। तो ये इधर मैंने ये देखे मेरा घी गर्म हो रहा है, ये जो मछली को मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था, तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको बड़े आराम से मैंने एहतियात से ऐसे इसके अंदर रख देना है, ठीक है। ये देखें जैसे ही मेरी मछली फ्राई होती है, और दूसरी तरफ मैंने ये देखें मैंने कोई इसमें बेसन नहीं डाला, मैंने कुछ नहीं डाला, कोई अंडा नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली। आपने इनको पकड़े चिमटे के साथ और आराम से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे उल्टा दें, ये दोनों साइडें मैंने ऐसे कवर कर ली हैं, और ये देखिए मेरी मछली फ्राई हो गई है माशाल्लाह। कलर देखें, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसको, मैं अब आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ऐसे पकड़ा इसको, ऐसे अच्छी तरह किया ताकि इसका ऑयल जितना भी है ना वो सारा निकल जाए। ये गर्म हो रहा है, और साथ ही अब इसमें प्याज डालने लगी, प्याज को ब्राउन करती हूँ, ये मेरे मसाला बना, मसाला वैसे ही है जैसे हम मंडिया का बनाते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। फ्राई हो गई है देखिए माशाल्लाह, देखिए इसकी लुक देखिए माशाल्लाह, सारी साबुत है। और अब ये मसाला भी हमने इसके तय लगानी है, कैसे लगानी है, थोड़ी सी रह गई वो भी हो गई, चलिए। और ये देखें अब मैंने ये सारे मसाले डाल दिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दूँ, क्योंकि इसके बगैर तो आपको पता बिरयानी बननी नहीं थी। और साथ ही ये थोड़ा सा ऐसे करते हैं, और साथ ही मैं अब डाल दूँगी इसके अंदर टमाटर, क्योंकि टमाटर इसमें ज़्यादा डालें, दही नहीं डाली, कुछ लोग दही भी डाल लेते हैं, मर्जी आपकी डाल लें, लेकिन मैंने नहीं डाली, ये नहीं, ये डाल दी टमाटर। अब मैंने इसको अच्छी तरह ये मसाला ये मैंने जब जान करना है, ये भूनना है, ये जितना अच्छा ये मुझे मसाला ही सारा काम आ रहा है, भून के यकजान करके दिखाती हूँ। इसमें डालूँ थोड़ा सा पानी ताकि मिर्ची जले ना, मसाला भून गया। अब मैं इसमें से थोड़ा सा मसाला निकाल देती हूँ, आधा मसाला निकाल लिया, ये देखें ऑयल नीचे है, इसमें थोड़ा सा ऑयल रहना चाहिए वरना लग जाते हैं, मसाला लग जाता है। बिस्मिल्लाह, और ये थोड़े से चावल भी इसमें डाल दूँ,
ये देखिए, ये अब मसाला मैंने जो बचाया था वो कुछ मैंने ये डाल दिया। दाल ये ले, ये मैंने ऊपर डाल दिया है मसाला, ये रख दी है नीचे। ज़रदा कलर डाल दिया है, ये देख, ज़्यादा नहीं डालते, फिर सारे ना जालो जालो से हो जाते हैं, बस एक जगह पे बस ऐसे। अब इसके ऊपर धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे। चलिए, और ये प्याज भी फ्राई किए हुए जो थे वो भी डाल दिया। यकीन जाने के ये बहुत टेस्टी बनी है, और आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई। और उसके बाद जो मछली का जो मैंने फ्राई किया था, जो मसाला था घी बचा हुआ था, वो ज़ाया नहीं करना है, वो भी इसके ऊपर हमने डाल देना है ऐसे ऐसे। ज़ाया तो नहीं ना कोई चीज़ कर रही, तो तभी खाने का मज़ा भी आएगा। ये ले, अब हम इसको 10 मिनट का दम पे रखते हैं, तो उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। डिश आउट करके दिखाती हूँ आप। दम पे आ गए माशाल्लाह, ये देखें चावल, ये देखें दाना दाना, ये देखें, ठीक है ना, ये देखें। अब इसको मैं खोल के मिक्स करके डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरी फ़िश बिरयानी तैयार है। उम्मीद करती हूँ तो आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा कि कैसे बनी। यकीन जाने कि मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करी। ये देखें चावल, देखें माशाल्लाह, ये देखें कैसे दाना दाना। और ये चावल भी नए हैं, पुराने नहीं हैं। अगर आप इसे सेले के चावल में या पुराने चावलों में बनाए तो ये बहुत टेस्टी बनेगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला कमाने वालों को सेहत तंदुरुस्ती दे, जो परदेश में अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में दे रखे, उनकी हिफाजत करे। मेरे लिए भी ख़ास तौर पर दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।